हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2024-25, जिसकी परीक्षा 3 दिसंबर को होने वाली है। उसमें भूगोल और इतिहास के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, आज हमने यहाँ पर 30 प्रश्न लिए हैं और आगे भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलते रहेंगे। तो आइए फटाफट इन्हें हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, वरुण या फिर शुक्र? जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आपने ऑप्शन चुना है बी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सर्वाधिक पास यानी नजदीक है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वरुण, बृहस्पति, बुध या फिर शुक्र? और अगर आप यहां ऑप्शन चुनते हैं बी, बुध, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न, कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? बृहस्पति, बुध, शुक्र या फिर वरुण? जल्दी से कमेंट कीजिए। दोनों ऑप्शन हालांकि बी हो गए, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आपने ऑप्शन चुना है डी, वरुण, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 365, 165, 265 या 395? और अगर आपने यहां से ऑप्शन चुना है ए, 365, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका है, वरुण को सूर्य का चक्कर लगाने में कितने वर्ष लगते हैं? क्योंकि वरुण सबसे दूर है, इसलिए यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 365 वर्ष, 265 वर्ष, 165 वर्ष या फिर 400 वर्ष? तो इन्हें लगते हैं 165 वर्ष, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे पहले सूर्य का चक्कर लगाता है? बुध, वरुण, बृहस्पति या फिर शुक्र? तो चूंकि बुध जो है ये सूर्य का सबसे पहले चक्कर लगाता है, तो यहां से ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा और आप यहां से ए वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन है? तो आपको यहां पर देखना है, जो भूमध्य रेखा होती है उसके दक्षिण में, ये उत्तर है उसके दक्षिण है, तो दक्षिण में कौन सी रेखा स्थित होती है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है। सही आंसर अगर आपने जल्दी से चुनिए और अगर आपका आंसर आता है सी, मकर रेखा, तो आप बिल्कुल सही हैं। और भूमध्य रेखा के ऊपर जो होती है वो कर्क रेखा होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आपका कमेंट आता है ए, भूमध्य रेखा, जैसा कि इसका नाम है भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीच में खींची जाने वाली रेखा। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। ब्रह्मपुत्र एक है क्या नदी है, पर्वत है, राष्ट्रीय उद्यान है या फिर ग्लेशियर है? बच्चों, और आप सभी को पता है ब्रह्मपुत्र एक नदी का नाम है, तो यहां से ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूर्य और उसके 8 ग्रहों एवं उपग्रहों के परिवार को क्या कहा जाता है? धरातल, पर्वतीय भाग, सौर परिवार या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत छोटा प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। और अगर आपका ऑप्शन आता है सी, सौर परिवार, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का व्यास है हर जगह एक जैसा, कर्क रेखा पर अधिक, भूमध्य रेखा पर अधिक, ध्रुवों के आर पार अधिक? तो यहाँ पर प्रश्न बहुत आसान सा है कि पृथ्वी का व्यास, तो देखिए पृथ्वी आपकी गोल नहीं है जैसा कि आप सभी जानते हो। तो आप ये देखिए, इसका व्यास इधर होगा, ध्रुवों पर अलग होगा, तो एक जैसा तो है नहीं। तो जो भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा पर व्यास अधिक होता है। यहां पर ये देखिए, पहला तीसरा वाला प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो हम तीसरे वाले ऑप्शन को यहां से सही कर लेंगे। और जो आपकी कर्क रेखा की बात करी जा रही है या ध्रुवों के आर पार अधिक होता है, ये भी नहीं, क्योंकि ध्रुव तो ये होते हैं, तो ये
कमी होता है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? सभी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन कुछ नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या फिर महानदी। बिल्कुल सही आंसर चुनिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। अगर आप ऑप्शन चुनते हैं ए, तो आपका ऑप्शन सही है नर्मदा। नर्मदा, ताप्ती और माही, ये तीन नदियां ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, तो इन्हें आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? अरब सागर में है, बंगाल की खाड़ी में है, प्रशांत महासागर में है या फिर सुंदर वन के करीब यानी आसपास है। तो इसका सही आंसर होगा अरब सागर, यानी अरब जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? ताजा पानी, पीने योग्य पानी, आसुत जल, नल का पानी। तो जो पीने योग्य पानी होता उसको कहते हैं सुरक्षित पेयजल, तो इसको ऑप्शन यहां से बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पहले ही पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर या फिर 11 जुलाई को। सभी को मालूम होगा इसका आंसर 5 जून। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त के करीब जीव, नदी में प्रदूषण घटता, भूगर्भ जल स्तर या फिर वायु प्रदूषण। सही आंसर है विलुप्त के करीब जीवों का लेखा जोखा, यानी जो विलुप्त होने के कगार पे हैं उनको जो है स्थान दिया जाता है रेड डाटा बुक में। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, एथेन, प्रोपेन या फिर मेथेन। तो यहाँ पर देखने योग्य बात है, क्योंकि यहाँ पर उसने पूछा है वातावरण में, तो वातावरण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जो कि ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी भी है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में 28, 30, 29 या फिर 31। तो यहाँ पर सही आंसर होगा, इस समय भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आपका आंसर 8 होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। सभी को पता है जो क्षोभ मंडल है, जिसमें ऋतुओं का परिवर्तन होता है, ये सबसे निचली परत कहलाती है, और सबसे ऊपरी परत आपकी आयन मंडल है, और उसके बाद समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल आता है। अगला प्रश्न आपके सामने, भूटान की राजधानी क्या है? ढाका, रंगून, थिम्पू या फिर ल्हासा। जल्दी से कमेंट कीजिए, और अगर आपका कमेंट आता है सी थिम्पू तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद या ढाका। और अगर आपने ऑप्शन चुना है सी इस्लामाबाद, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पहाड़ी इलाकों में लोगों ने चिपको आंदोलन क्यों चलाया? वृक्षों की रक्षा हेतु, मंदिर की रक्षा हेतु, नदी की रक्षा हेतु या फिर इनमें से कोई नहीं। ये उत्तराखंड में चलाया गया था बच्चों, अब आपको याद आ रहा होगा ये वृक्षों को बचाने के लिए किया गया था, इसको सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया गया था। जहां पर वनों की कटाई होती थी वहां पर ये समूह बनाकर वृक्षों से लिपट जाते थे और वहां से पेड़ों को काटने से रोकते थे। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? लखनऊ में, भोपाल में, नई दिल्ली, हैदराबाद। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करिए, और अगर आपका कमेंट आता है डी हैदराबाद तो आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ है? लखनऊ में, नई दिल्ली, जयपुर या फिर आगरा। जल्दी से इसका कमेंट करिए कि इसका आंसर सही क्या है। हवा महल जो है बच्चों ये आपका जयपुर में स्थित है, तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला है, जेवियर चर्च कहाँ है? चर्च चूंकि भारत में बहुत कम है, लेकिन बड़े पार्कों, बड़े चर्च की बात करिए, गोवा में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। आपको मालूम होगा गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर जेवियर चर्च पाया जाता है, और ये भारत का पश्चिमी सभ्यता से लगभग मिला जुला शहर है। अगला है, बद्रीनाथ धाम कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। जल्दी से इसका कमेंट करिए, और अगर आपका कमेंट आता है बी
यानी उत्तराखंड। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने है, रामेश्वरम स्थित है तमिलनाडु में, केरल में, पश्चिम बंगाल या फिर जम्मू कश्मीर। सही आंसर जल्दी से कमेंट करें, अगर आप ऑप्शन चुनते हैं ए तमिलनाडु तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जगन्नाथपुरी कहाँ है, केरल में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में या फिर जम्मू कश्मीर में। जल्दी से कमेंट करिए, और अगर आपका कमेंट आता है बच्चों बी उड़ीसा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा मंदिर स्थित है पुष्कर राजस्थान में, कानपुर उत्तर प्रदेश, बीकानेर राजस्थान, लुधियाना पंजाब। कभी कभी शहर का नाम पूछेगा, कभी कभी राज्य, इसलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। और आपको बता दूं भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है और वो स्थित है पुष्कर राजस्थान में, तो आपका यहाँ से आंसर ए वाला होना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, अमृतसर पंजाब, बीकानेर राजस्थान, लुधियाना पंजाब, मदुरई तमिलनाडु। ये तो आप समझ गए होंगे, अमृतसर जो है वो आपका पंजाब में है, लेकिन पंजाब के किस शहर में है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, और यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और अगर आप यहाँ से ऑप्शन चुनते हैं ए अमृतसर पंजाब, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के आज के ये 30 प्रश्न थे। इस प्रकार के प्रश्न आपको आगे भी मिलते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार हूँ तो इसे एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।